ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रोमित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। यह राशिफल है 17 फरवरी 2018 शनिवार के दिन का राशिफल है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और शतभिषा नामक नक्षत्र 11:08 दोपहर तक रहेगा, उसके बाद दूसरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों हम आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं 12 राशियों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा, शनि देव की कृपा किस किस राशि वालों को होने वाली है और शनि देव किस राशियों के ऊपर मेहरबान रहेंगे। तो आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। किसी से मदद चाहिए तो मिल सकती है और ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, धन लाभ होगा, आप अपनी योग्यता का पूरा पूरा लाभ उठा सकेंगे, खुद के ही दम पर सफलता मिलेगी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह आप बिल्कुल ना करें। सौदेबाजी और पैसों के मामलों में आप दूसरों के इरादे जान जाएंगे। दोस्तों की मदद से आपको सफलता मिलेगी। जरूरी और खास मामलों के फैसले भविष्य के लिए आप छोड़ दें, आपके काम भी पूरे हो जाएंगे। गंभीर योजना बनाने के लिए समय सही है, परिवार और दोस्त आपके साथ रहेंगे। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। आज आप खुद में बदलाव लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। किसी खास मामले में आप काफी उत्साहित रहेंगे। निवेश, खरीदी बिक्री और जमीन जायदाद के लिहाज से दिन आपके लिए अति उत्तम है। अपने काम और करियर पर ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आपके करियर को मजबूती मिल सकती है। अपोजिट जेंडर वाले लोग आपके फेवर में रहेंगे। जो लोग आपके लिए खास है वह थोड़े आपसे नाराज भी हो सकते हैं। सावधानी न रखी तो किसी दोस्त से अनबन हो सकती है। परिवार में वैचारिक मतभेद होने के योग बन रहे हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी के साथ भी विवाद बिल्कुल न करें। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका मन बहुत सक्रिय रहेगा। आपको भविष्य से जुड़े कुछ अच्छे इशारे भी मिल सकते हैं। कॉन्फिडेंस से किए गए आपके सारे काम पूरे हो सकते हैं। जरूरी कामों के लिए खुद को समय दे। जिम्मेदारी के कामों पर भी आपको पूरा ध्यान देना होगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में है और उसका लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छा दिन है। आपके संबंध मजबूत हो सकेंगे, उत्साह रहेगा। पैसों के मामलों में चली आ रही रुकावटें आपकी खत्म हो सकती है। अटके हुए काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। आपका मूड थोड़ा आक्रामक हो सकता है। आप आसपास के लोगों से उलझ भी सकते हैं। सावधान रहें, कुछ लोग आपसे काम करवाने के लिए जो है कुछ दबाव भी डाल सकते हैं, इसलिए आप उनसे बच करके रहे, सावधान रहें। आप विचारों में उलझते हुए काम को कुछ ज्यादा ही जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे और किसी काम में आप उलझ भी सकते हैं। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। बॉस या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आपको परेशान कर सकता है और कार्यक्षेत्र पर मामूली समस्याएं आपके लिए उत्पन्न रहेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। खुद को जितना उदार रखेंगे उतनी ही परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी। साथ के लोगों की खुशी में आप शामिल होंगे। पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगे। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। कोई दोस्त या बिजनेस का साथी पैसा कमाने का नया तरीका आपको बता सकता है। माता पिता से दूर कहीं रहते हैं तो पैतृक निवास की यात्रा हो सकती है। किसी खास काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, इससे आपको तनाव महसूस होगा, दबाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता रहने से थोड़े परेशान भी आप हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। वहां जहां आप रहते हैं वहां आसपास के लोगों को जो है आपसे विशेष सहयोग और सलाह आज मिलने वाली है। अतिरिक्त कार्य आपका बनने वाला है, अतिरिक्त आमदनी आपकी होने वाली है और काम पर आपको ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र में कुछ जरूरी बदलाव भी हो सकते हैं, इनसे आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। नए मौके भी सामने आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में विशेष सुख की प्राप्ति होगी। वाहन का सुख मिलेगा। रूटीन काम समय पर पूरे होंगे, उनसे आपको बड़ी सफलता मिल सकती है।
कोई भी बड़ा काम बिना सोचे समझे न करे, अपने विचारों पर थोड़ा कंट्रोल रखे। आपके सामने कुछ कठिन परिस्थितियां आ सकती है, पैसों को लेकर के टेंशन बढ़ सकती है, बिजनेस या नौकरी के काम भी आपके ज्यादा हो सकते हैं, देर तक काम आपको करना पड़ सकता है, अतिरिक्त मेहनत के भी योग बन रहे हैं। कुछ लोग आपको जो है एडवाइस से सहमत नहीं होंगे और उनसे आप उलझे नहीं और उनसे विवाद बिल्कुल न करें। खास तौर पर पैसों के विवाद में आप जरा भी न पड़े, अन्यथा आपके लिए जो है परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किसी करीबी इंसान की मदद से आपके काम पूरे हो जाएंगे। आपको रिश्तों के मामलों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। नौकरी या बिजनेस में कुछ नया करने की कोशिश आप कर सकते हैं। कामकाज के लिहाज से आप बहुत मेहनत करेंगे और उतने ही महत्वाकांक्षी आप हो सकते हैं। आज आप किसी काम को अलग ढंग से करने की कोशिश कर सकते हैं। अचानक या तुरंत निवेश करने के मामले आपके सामने आ सकते हैं। पैसों के मामले में पूरे दिन की प्लानिंग पहले से ही आप बना करके रखें। परिवार के कुछ मामलों के कारण आपका ध्यान कामकाज से हट सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हर बात पर ठीक से सोच विचार कर ले। छुटपुट विवाद की स्थिति बन सकती है, आपको सावधान रहना होगा। पुराने दुश्मन भी आपके सामने आ सकते हैं। वाहन के उपयोग में आप सावधानी रखें। कारोबार में कर्जा आपको लेना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। अचानक फायदा होने के आपको योग है। आप उतना ही पैसा निवेश करें जितना कर सकते हैं। संचार के साधनों से धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है और दूसरों से अपने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करने में आधे से ज्यादा दिन बीत जाएगा। आप दूसरों की जरूरत और उनकी स्थितियां अच्छी तरह से समझ लेंगे। संतान से मदद मिलेगी, आपकी योजनाएं सफल रहेगी। लोगों की मीठी बातों में ना आए, थोड़ा कंफ्यूजन और चिड़चिड़ाहट आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दूसरों की सलाह और जरूरत पर आप ध्यान दें। आज आप खुद पर नियंत्रण रखें। एक बार खुद पर नियंत्रण कर लिया तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। बदलाव का दिन है। जिन बदलाव को आप काफी समय से टालते आ रहे हैं उनमें जो है विशेष रूप से परिवर्तन होने वाला है। कोई नया दोस्त भी आपको मिल सकता है। धार्मिक स्थानों पर जाने का मन बन सकता है। संतान और परिवार के साथ खुशी से समय बिताने की कोशिश करें और दूसरों की सलाह और जरूरत पर आपको ध्यान देना होगा। आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होने से आप दुखी भी हो सकते हैं। दिल दुखाने वाली कोई पुरानी बात आपके सामने आ सकती है। दोस्त, प्रेमी, संतान, परिवार, किसी के साथ कोई टकराव भी हो सकता है। काम का बोझ आप पर ज्यादा हो सकता है। किस्मत का साथ थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए आप हैरान परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि आपके लिए दिन तो जो है मिला जुला रहेगा, लेकिन आज जो काम करेंगे उसके दूरगामी अच्छे परिणाम आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। ऑफिस में कुछ लोग आपको बड़ी जिम्मेदारी के लिए उकसा सकते हैं। इससे आपको फायदा हो सकता है। आपकी बचत बढ़ेगी। टैक्स, निवेश और उधार पैसा देने के मामले आपके सामने आ सकते हैं। किसी योग्य और पेशेवर सलाहकार से आपको संपर्क करना चाहिए और किसी यात्रा की योजना बन सकती है। आप हर काम हिम्मत से करेंगे तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। कम बोले और अपने राज को उजागर न होने दे। भाइयों के लिए पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। पैसे खर्च करते समय सावधानी रखें। फालतू के विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। परिवार से जुड़े किसी काम को लेकर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। बिना सोच विचार किए किसी मामले में न पड़े। बातचीत में किसी से कहासुनी हो सकती है। फालतू का गुस्सा बिल्कुल न करें, इससे आपको खुद को नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके सामने जो भी कठिनाई या परेशानी आ रही है वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगी। कामकाज में आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे। आपके सभी काम पूरे हो सकते हैं। अपनी ताकत का सही उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए दिन अति उत्तम रहेगा। एकाग्रता रखेंगे तो बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। पुराना कोई विवाद भी खत्म हो सकता है। वाणी से सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। कुछ लोगों से भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस हो सकता है। बिजनेस में फायदा होगा। शेयर
मार्केट और दलाली का काम करने वाले लोगों को भी फायदा मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। कोई वाहन खरीदने की आप योजना बना सकते हैं। आज आप लगभग हर चीज को ज्यादा गंभीरता से ले सकते हैं। इस कारण फालतू तनाव या दबाव भी आपका बढ़ सकता है। दूसरों को बिन मांगी सलाह न दे, उन्हें कामकाज के बारे में जरा भी न छेड़े। दूसरों के मामले में ज्यादा दखल देंगे तो कोई न कोई झंझट खुद आपके लिए आप खड़ी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। बिना प्लान किए कोई बड़ा काम भी जल्द हो जाएगा। आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। किस्मत का साथ आपको मिल सकता है। आपका ध्यान पैसों की व्यवस्था पर रहेगा। खरीदारी हो सकती है। पैसा कमाने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। किसी पुरानी चीज की खरीदी या बिक्री भी हो सकती है। कुछ दोस्त आपको अचानक मिल सकते हैं। दोस्त, प्रेमी, संतान, सभी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। दूसरों की जरूरतें और उनकी भावनाएं भी आप समझ सकते हैं। दुश्मनों पर विजय आपको प्राप्त हो सकती है। जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। आक्रामक होने से अच्छे मामले भी बिगड़ सकते हैं। बहस और विवाद के योग भी बन रहे हैं। बने बनाए काम बिगड़ने की संभावना है। सावधान रहें, अनचाहे खर्च भी आपके हो सकते हैं। मोबाइल, इंटरनेट आदि संचार साधनों पर आप ज्यादा खर्चा न करें। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपको कुछ लोग मान सम्मान देंगे और बड़ा काम आपके द्वारा होने वाला है। लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश भी करेंगे। पूरे जोश से आप काम करेंगे। किसी रचनात्मक काम में संतान का भी सहयोग मिलेगा। आक्रामकता को काबू में रखें तो ज्यादातर लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। अचानक आपसे मिलने के लिए कोई आ सकता है। रहस्यपूर्ण मामलों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। बिना सोचे समझे कोई भी काम न करे तो अच्छा है। दिन भर होने वाली कुछ घटनाओं से आप परेशान हो सकते हैं। आप थोड़े बेचैन भी हो सकते हैं। प्रेमी, जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य से आपकी अनबन भी हो सकती है। रिश्तों के मामलों में आप उलझ सकते हैं। आज आप किसी व्यक्ति से नाराज भी हो सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से आपको परेशानी बढ़ सकती है। किसी खास काम को करने के लिए यात्राएं होगी और आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। तो मित्रों, हमने 12 राशियों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा यह अभी आपको बताया है। हमें उम्मीद है यह राशिफल का वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और इसी के साथ, यदि अभी तक आपने हमारे और आपके चैनल एस्ट्रोमित्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हमारा दूसरा चैनल है आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।